हाय गाइस, सर आज है मंडे और मंडे को होता है काम। तो अब यहाँ पे छुट्टी नहीं ली तो मैंने सोचा कि यहाँ पे थोड़ा वर्केशन वाली चीज़ ट्राई करके देखते हैं, बिकॉज फर्स्ट टाइम मैं अपने काम के साथ कहीं ट्रिप पे आया था। तो आई थॉट लेट्स व्लॉग दिस, एंड आज का हम यही कर रहे होंगे कि क्या 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 कहाँ घूमे एंड काम कैसे कर रहे थे। वाईफाई स्पीड वगैरह तो काफ़ी डिसेंट है, बट यहाँ पे थोड़ा वाईफाई के लिए एक्स्ट्रा पे करना पड़ा, बट चल कोई सीन नहीं है। एंड सही है, अभी उठे हैं, अभी चाय वाय पी है, थोड़ा ब्रेकफास्ट करते हैं, फिर काम वगैरह को शुरू करेंगे एंड तुम्हारे साथ शेयर करेंगे पूरे दिन की जर्नी। ठीक, मिलते हैं तुम्हें थोड़ी देर बाद। तो यार अभी हम सुबह सुबह मैगी खाने आए, ब्रेकफास्ट करेंगे यहाँ पे। आंटी देखो, यहाँ पे हमने सुबह चाय पी थी उठते ही, तो काफ़ी मस्त चाय बनी थी। तो आंटी ने बोला था मैगी बनाती, हमने बोला मैगी भी खाने आते थोड़ी देर। तो अब जाते इसके बाद काम करना स्टार्ट करेंगे यार, अभी तक काम करना स्टार्ट नहीं किया है। एंड इट्स 9:30 ओनली, तो कोई ऐसी दिक्कत वाली बात है नहीं, जाके काम वाम शुरू करते हैं। सुबह सुबह यहाँ पर मस्त धूप फूप थी, धूप में काम वाम करा हमने। अब काम करने के बाद हम ऊपर जाएंगे और 1-on-1 है, 12 बजे 1-on-1 अटेंड करते हैं, उसके बाद कुछ खाने निकलते हैं। ठीक है, तो यार अभी एक प्रॉब्लम अटकी हुई है, उसका कुछ खास सॉल्यूशन मिल नहीं रहा क्योंकि अब भूख लग रही है। तो पहले पेट पूजा कर लेते हैं और फिर उसके बाद गन हिल घूमने जाने का सोच रहे हैं, और शाम को आके 5-6 के आसपास फिर वापस काम करना स्टार्ट करते हैं, बिकॉज अभी भूख लग रही है। फिर जाएंगे वापस आएंगे, इसमें टाइम काफ़ी लग जाना है, एंड फिर घूमे नहीं तो फिर क्या फ़ायदा यहाँ पे आने का। आराम से फिर उसके बाद शाम को रात तक आराम से बैठ के काम वाम करेंगे, और तुम्हें मिलते हैं थोड़ी देर बाद कैफे में जाके। बाय भाई, पीछे कितना प्यारा वो रखा है देखो। यार वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं तुम्हें बताना चाहूंगा कोडिंग निंजास के बारे में, बट सबसे इंपॉर्टेंट बात, 20% ऑफ का लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। तुम्हें कोई भी कोर्स वगैरह लेना है तो उस लिंक से जाके 20% ऑफ ले सकते हो। अब यार कोडिंग निंजास इज इंडियाज वन ऑफ द लार्जेस्ट कोडिंग एजुकेशनल प्लेटफॉर्म। अब यहाँ पे यार जो कोर्सेज वगैरह तुम्हें एंड्रॉइड डेवलपमेंट, वेब डेवलपमेंट, मशीन लर्निंग, तुम्हारे DSN, C++, जावा, पाइथन सब मिल जाता है। जो इंस्ट्रक्टर्स हैं वो तुम्हारे IIT स्टैनफर्ड ग्रेजुएट्स हैं, फेसबुक अमेजन जैसी कंपनी में उन्होंने काम किया हुआ है, एंड यार कोर्स स्ट्रक्चर काफी बढ़िया है। अब मैंने खुद सेकंड ईयर में इनका एक कोर्स लिया था DSA विद C++ वाला, एंड मेरा एक्सपीरियंस काफी बढ़िया था। और यार अगर तुम कोई क्वेश्चन वगैरह करते हो, डाउट तो आते हैं कोई कोर्स करते हो, तो यहाँ पे 200+ तुम्हारी हिंट वीडियोस होती हैं जैसे C++ वाले कोर्स में, तो और कोर्सेज में भी सिमिलर सीन है। एंड यार अगर फिर भी डाउट तुम्हारा सॉल्व नहीं होता तो तुम्हारे पास यार TA सपोर्ट तो है ही, 3-4 घंटे के अंदर तुम्हारे सारे डाउट्स वगैरह सॉल्व हो जाते हैं। सो 20% ऑफ का लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, जाके चेकआउट करो। बढ़ते अपनी वीडियो की तरफ। सर अभी हमने पिज्जा खाया, काफी कैफे डी ड्रिवन का, काफी टेस्टी था भाई, एंड उसके बाद हमने जलेबी रबड़ी खाई हिंट वापस रास्ते में आते टाइम। तो अब हम जा रहे हैं गन हिल की तरफ घूमते फिरते, एंड पीछे से व्यू देखो मेरे पास बहुत ही प्यारा। एंड यार मैं एक वीडियो बनाने का ट्राई कर रहा था जिसमें मेरा काफी ज्यादा कट्टा हो गया है, तो मैं बाद में बताते हैं उसकी डिटेल्स। अब चलते हैं गन हिल की तरफ। अगर हम गन हिल पे जाके आए हैं, क्या मस्त था भाई, सारे तुम्हारे बादल ना ऐसे आसपास हो जाते हैं, तो जैकेट गीली हो गई थी ऊपर जाके वो मॉइस्चर की वजह से। मस्त था भाई, ऐसे बहुत मस्त व्यू था, और बादल कुछ ज्यादा ही करीब आ गए तो कुछ दिख ही नहीं रहा है एकदम। तो देखो बिल्कुल ऐसे जैसा वो नहीं होता था अपना फॉग हो जाता है दिल्ली वैली में, वैसा हो रखा, बट मस्त एकदम। हाँ तो भाई हमारा घूमना फिरना खत्म हो गया है, अब अराउंड 5:30 हो गए हैं। अब घर मतलब घर कह रहा हूँ, गोस्ट हाउस चलते हैं, वहाँ बैठ के जो सुबह जो तुम्हें बग्गा बता रहा था ना रह गया, वो मैं बैठ के सॉल्व करने का ट्राई करता हूँ। ठीक है, अपने टीममेट के साथ डिस्कस करके सॉल्व करूँगा, सर हो गया तो बढ़िया है। फिर हम वापस डिनर करने ऊपर आएंगे मॉल रोड की साइड, तो अभी 2-3 घंटे मस्त काम वाम करते हैं। ठीक है, अब गोस्ट हाउस से जाकर हम सुनते हैं। हाँ तो
यार हम आ गए थे वापस 6 के अराउंड, एंड 6 के अराउंड वापस आने के बाद भाई पहले जो मैंने तुम्हें बताया था ना कि मेरे को प्रॉब्लम मिली हुई है जिसका सॉल्यूशन नहीं मिल पा रहा है, समझ नहीं आ रहा कैसे करना है, वो आके मस्त ऐसे फ्रेश माइंड के साथ बैठे तो सॉल्व हो गई, काफ़ी मज़ा आ गया। एंड यार ऊपर ना भाई बहुत ज़्यादा ट्रैवल करना पड़ता है, मतलब पैदल पैदल बहुत चलना पड़ता है क्योंकि आइडिया ही नहीं है स्कूटी वूटी कैसे चलती है हिल्स पे, एंड डर लगता है कि भाई स्कूटी तो नहीं ले जा सकते। तो अराउंड 10-12 किलोमीटर पैदल ट्रैवल किया, एंड जो वॉच में अगर दिखा देता है ना कितने क्लाइंब किया तुमने स्टेयर्स, तो अराउंड 50-60 फ्लाइट टाइप दिखा रहा था, तो काफ़ी सही था। बाकी यार द होल डे वॉज क्वाइट फन। अब मैंने क्या सोचा था कि मैं यहाँ पे एक वीडियो रिकॉर्ड करूँगा जिसमें मैं वो वाली चीज़ करूँगा कि आस्किंग स्ट्रेंजर्स कंप्यूटर साइंस क्वेश्चंस, एंड आई ट्राइड विद 6-7 पीपल, उनमें से बस एक बंदा माना करने के लिए। हाँ, सो यार गाइस हमारे साथ दीपक है, अब मैं इनसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछूंगा, अगर ये आंसर कर देता है आई विल गिव यू 100 रुपीस। तो दीपक आपको HTTP की फुल फॉर्म बताइए। चलो एक बार जान लेते हैं, आपको बैक एंड पता है क्या होता है? क्या होता है यार? मन ही नहीं गया मेरा करने का, तो वापस कभी दिल्ली आएंगे, दिल्ली में जाए करेंगे वाली चीज, काफी सही फन होने वाला है। ठीक है, यहाँ पे तो नहीं हो पाया। और यार फिर हमने लंच में ना काफी अलग अलग कैफेज में ट्राई किया, काफी मस्त मस्त कैफे थे यार यहाँ पे, एंड काफी सारा खाना वाना खाया, घूमे फिरे, गन हिल गए, वहां से वापस आए, मॉल रोड के मोमोज वगैरह खाए, अब बस जाएंगे डिनर विनर करेंगे, उसके बाद थोड़ा बहुत और काम करेंगे आके, फिर अपना सो जाएंगे, कल वापस जाना है घर। तो लेट्स सी, आज का वर्केशन वाली चीज तो काफी ज्यादा मजा आ गया करके, तो यार वर्केशन वाली चीज फिर से करेंगे, किसी नई जगह जाके ट्राई करने वाले हैं अब ये, जब तक कि ऑफिस वाले नहीं बुला लेते। तो लेट्स सी क्या होता है, मिलते हैं तुमसे अब थोड़ी देर। तो भाई अभी मैं जब तुम्हें ज्ञान दे रहा था ना नीचे बैठ के, तो 2-3 लोग आए जो यही गोस्ट ऑफ्स में रुके हुए थे, उन्होंने बोला यार मैंने आपकी वीडियो देखी हुई है, मैं शायद आपको इंस्टाग्राम पे फॉलो करता हूँ, नाम क्या है? मैंने बोला निशान चार। फिर उन्होंने खोला ना करते थे, यार ये तो मजा आ गया, थर्ड टाइम थर्ड प्लेस भाई, काफी मजा आता है, काफी अच्छा लगता है। ठीक है, अब भाई खाना खाने के लिए निकल जाते हैं, बहुत देर हो गई है। हाँ तो यार हमने अपना डिनर विनर करके हम वापस आए, और बाहर ऐसे लोगों से बात बात कर रहे थे, काफी मजा आया। ठीक है, ऐसे हॉस्टल्स वगैरह में यही फायदा होता है, जब तुम आते हो तो काफी ज्यादा लोगों से इंटरेक्ट वगैरह करते हो, अलग अलग जगह से लोग मिलते हैं। बट अगर तुम किसी हिल स्टेशन से आ रहे हो, अगर तुम दिल्ली से हो, तो ये चीज भूल जाना कि तुम्हें और कोई लोग मिलेंगे, तो बस दिल्ली वाले मिलने वाले हैं, क्योंकि हम अगर 10 लोगों से मिले होंगे तो उसमें से 9 लोग दिल्ली के ही थे, सो दिल्ली वाले बस यहीं पड़े रहते हैं हिमाचल उत्तराखंड में। हाँ तो यार अब एक छोटा सा काम और रह गया था, अभी वो करते हैं फिर सोएंगे मस्त, और सुबह सनराइज देखना है तो 6:30 उठना पड़ेगा, इसलिए जल्दी सोना पड़ेगा। जल्दी तो क्या सोएंगे, 10:30-11 ऑलमोस्ट हो गए हैं, थोड़ा बहुत काम करके फिर विल स्लीप। एंड इतना ही यार आज वाली वीडियो में, अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को तुमने अब तक नहीं किया है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।